अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको इसमें काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और कुछ बड़ी खबरें जो हैं निकल के आ रही हैं, जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं तो ये चीज़ें जानना आपको ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आज की तारीख में, और ये आप लोगों को जानना काफ़ी बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी जो है इवनिंग जो है शिफ्ट वो जो है चालू हो चुकी है, उसके हवाले से बात करेंगे। और कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, 24 लोगों को जो है गिरफ़्तार किया गया है, जो इल्लीगल तरीके से रहते थे और वो वर्कर काम कर रहे थे। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जगह अलग अलग जगहों पे और अलग अलग लोकेशन पे जो है चेक इन किया जा रहा है, और किसी भी तरह से कोई भी डाउट होता है तो उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। तो इसी तरह से 24 लोगों को जो है गिरफ़्तार किया गया है, और जब उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद में पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी चीज़ बताई कि इस तरह से हम काम करते थे और हमसे ये लोग मिले हुए थे, सारी इन्फॉर्मेशन दी। और देने के बाद में जो था ये कहा था, एक मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि जैसे 10 KD हम कमाते हैं तो 2 KD उनको देते हैं, 8 KD अपने पास में रखते हैं, इस तरह से उन्होंने सारी चीज़ बताई। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अगर आप कहीं पर भी अपने वीज़ा पर जिस वीज़ा पर गए वो वीज़ा है आपका, अगर उसी पे काम करें तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर अगली जगह काम करें, दूसरी जगह पे आप काम करते हैं तो सावधान रहिएगा, और इस टाइम पे बिल्कुल दूसरा काम छोड़ दीजिए, जो आपका काम है वो ही करें, नहीं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप लोग जो है इस चीज़ को जान सकें और कहीं भी इस तरह के प्रॉब्लम में ना फंसें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है 2 KD में बताका रेडी हो रहा है, इस तरह से एक बड़ी अफवाह जो है सोशल मीडिया पर चल रही है, और 2 KD में बताका रेडी होकर आपके जो है होम डिलीवरी हो जाएगा, ये बड़ी अफवाह चल रही है। तो इस तरह की अफवाह में बिल्कुल ना पड़ें, और ये जो है आपको जो है नुकसान दे सकती है, और ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल साफ साफ जो है क्लियर कर दिया गया है। अगर आपको भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस तरह की कोई भी अफवाह आपके सामने आती है तो इस तरह की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें। और अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, तो आते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है, 5 लोगों को जो है कर्फ्यू उल्लंघनकर्ताओं को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें के 5 जो हैं 4 कुवैती हैं और एक एक्सपर्ट है। अगर आप किसी भी तरह से कहीं पे भी रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अगर आप कुवैत के अंदर बाहर निकलते हैं कर्फ्यू के दौरान तो आप जो है परमिशन लेकर निकलें, बिना परमिशन के बिल्कुल नहीं निकलें, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। 24 घंटे के अंदर जो है 649 की जो है रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 44,610 की, 4 लोगों की मौत हो चुकी है और टोटल मौत 310 की हो चुकी है, जिसमें कि 836 जो है नए केसेस आए हैं कुवैत के अंदर 24 घंटे के अंदर, और टोटल केस हो चुके हैं 54,894, नए टेस्ट हुए 3,835, टोटल टेस्ट हो चुके हैं 4,33,336, और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 9,894, और सीरियस केस हैं आपके 151, और कुवैती जो हैं 549 हैं, 287 जो हैं नॉन कुवैती हैं। अब बात करते हैं हेल्थ वाई एरिया की, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके, अगर आप किसी एरिया में रहते हैं तो सावधानी बरत सकें। 227 जो हैं अहमदी एरिया में हैं, 195 जहरा में हैं, 175 जो हैं आपके फरवानिया में हैं, 131 जो हैं हवल्ली में है, 108 जो है कैपिटल में है। अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो सावधानी बरतें, और बाहर निकलते हैं तो मास्क वगैरह का यूज़ करें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ID दे रखी है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।